प्याज और हरी मिर्ची फ्राई हो गई है, अभी इसमें हम सूखी मछली डाल देंगे। सूखी मछली ऐड करने के बाद हम इसमें तुरई भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैंने तुरई को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें भी नमक ऐड कर देंगे, एक चम्मच नमक। आधा चम्मच हल्दी, इसमें और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। हम इसको स्लो फ्लेम में लेड लगा के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको लेड लगा के पका लिया था। ये देखिए तुरई ने पानी छोड़ दिया है। अभी हम गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और हाई फ्लेम पे भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे। हाई फ्लेम पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है, इसको सुखाना नहीं है। अभी हम इसी में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ही मैंने पानी ऐड किया है। अभी हम इसमें उबाल आने देंगे। सब्जी हमारी रेडी हो गई, गैस बंद कर दिया। अभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने सब्जी को बाउल में निकाल लिया है। ये हमारी सूखी मछली के साथ तुरई की सब्जी रेडी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।